नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके से एक पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर। पनीर को इस तरीके से हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। साथ ही मैंने लिया एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके, और यहाँ पर है एक बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी मसाला बनाते टाइम बता दूंगी। सबसे पहले पैन में हम डाल लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारे गर्म हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे पनीर। 2 मिनट के लिए पनीर को हम फ्राई करेंगे हल्का पनीर के कलर चेंज हो जाने तक। बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 2 पिंच हल्दी। पनीर के साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे 1 शिमला मिर्च। इस तरीके से मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और 2 से 3 मिनट हमें पनीर और शिमला मिर्च को हल्का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेना है। दो तीन मिनट के लिए पनीर और शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है। हल्का जैसे ही कलर चेंज हो जाए हम निकाल लेंगे। पैन में मैंने 2 चम्मच तेल और डाल लिया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम पहले फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक प्याज का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम डालेंगे 1 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट और भूनेंगे, जब तक अच्छे से प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से पनीर को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको रोटी पराठे पूरी चावल के साथ खाने में टेस्टी लगेगा। 2-3 मिनट बाद हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 से 4 मिनट मैंने प्याज के पेस्ट डाल के भून लिया है। जैसे ही प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो जाए हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे और डालेंगे ड्राई मसाले। 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। 1/2 चम्मच डालेंगे हम हल्दी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। साथ ही हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। थोड़ा सा हम पानी डाल के मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे, ढक देंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए, और बीच में खोल के आप 1 से 2 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 4 से 5 मिनट हो गए हमें मसाले को भूनते हुए, और आप देख सकते हो मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुका है, साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच बटर, और साथ ही डाल देंगे पनीर और शिमला मिर्च। बटर डालने के साथ ही हम डाल देंगे पनीर शिमला मिर्च। अच्छे से मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। पहले हम हल्के हाथों से एक बार मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से पनीर को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको खाने में टेस्टी लगेगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए पैन को कवर करेंगे, और बीच में खोल के आप 1 से 2 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 3-4 मिनट बाद हमारा बहुत ही टेस्टी पनीर मसाला बनके तैयार है। बस एक बार हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और देखने में जितना आपको ये पनीर की सब्ज़ी टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा।
तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और पनीर को सर्व कर लेंगे हम एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।